हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा, और आज के इस वीडियो सेशन में हम दिसंबर महीने के सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज सुपर फास्ट मोड पर कवर करेंगे। याद रखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अब आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से डेली वन लाइनर PDF प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो भी हम डेली करंट अफेयर्स सेशन लेते हैं उनको वन लाइनर फॉर्मेट में हम आपके लिए लेकर आते हैं, और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको ये PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अगर आप डिटेल वाले चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा वन ईयर मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये डेली वन लाइनर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो अभी आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी हमने दिया हुआ है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। व्हाट इज द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड एड्स डे ऑन 1 दिसंबर 2023 विश्व एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर को मनाया गया, इसका विषय क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन सी है, लेट कम्युनिटीज लीड। हु वॉन द 2023 बुकर प्राइज फॉर नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग, उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 बुकर पुरस्कार पॉल लिंच ने जीता है। विच मॉन्यूमेंट हैज रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, हाल ही में अंगोर वाट स्मारक को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है। विच विल बी द फर्स्ट एयरलाइन टू स्टार्ट फ्लाइट्स फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ाने शुरू करने वाली पहली एयरलाइन इंडिगो होगी। हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द BCCI एज द हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में BCCI ने राहुल द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ा दिया है। विच पॉलिसी हैज बीन अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड UAE, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा गोल्ड इंपोर्ट पॉलिसी में संशोधन किया गया है। हु चेयर द नेशनल बायोफ्यूल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की अध्यक्षता हरदीप सिंह पुरी ने की। हु विल चेयर द टास्क फोर्स सेट अप बाय द IRDAI टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ऑन द इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के प्रभाव की समीक्षा के लिए IRDAI द्वारा गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता रणदीप सिंह जापाल करेंगे। विच कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोन मैचुआंग फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में निर्मित चक्रवात का नाम माइचोंग म्यांमार देश ने रखा है। फॉर हाउ मैनी मोर ईयर्स हैज द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सेटअप फॉर केसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल क्राइम्स बीन अप्रूव टू कंटिन्यू, यौन अपराधों से संबंधित मामलों के लिए गठित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को और 3 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द PRSI नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर कम्युनिकेशन, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार से सुगंधि सुंदरराज को सम्मानित किया गया। व्हाट फील्ड ऑफ मेडिसिन डिड SS बद्रीनाथ पास्ट रिसेंटली स्पेशलाइज इन, SS बद्रीनाथ हाल ही में जिनका निधन हुआ, चिकित्सा किस क्षेत्र में विशेषज्ञ थे? सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्थेल्मोलॉजी। विच कंपनी हैज पार्टनर विद मास्टर कार्ड टू ऑफर डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर इंडियाज MSMEs, भारत के MSMEs के लिए डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण समाधान की पेशकश करने के लिए यूग्रो कैपिटल ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। इन विच स्टेट वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस लेड बाय यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला रखी गई। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड 170 मिलियन US डॉलर लोन फॉर मॉडर्नाइजिंग ऑफ वाटर सप्लाई सर्विसेज इन विच सिटी, एशियाई विकास बैंक ने कोची शहर में जल आपूर्ति सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दी है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ फिक्की फॉर 2023-24, 2023-24 के लिए फिक्की के अध्यक्ष के रूप में अनीश शाह को नियुक्त किया गया। व्हाट इज S&P ग्लोबल रेटिंग्स रिवाइज्ड ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फिस्कल 24, वित्त वर्ष 24 में भारत के लिए S&P ग्लोबल रेटिंग्स का संशोधित विकास पूर्वानुमान 6.4% है। When is the International Day for the Abolition of Slavery observed? अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। Which country recently unveiled Fatah 2 hypersonic ballistic missile? हाल ही में ईरान देश ने Fatah 2 hypersonic ballistic missile का अनावरण किया। In 2022, which two countries were the top beneficiaries of the European Union's Generalized System of Preferences Scheme? 2022 में इंडिया और इंडोनेशिया यूरोपीय संघ की सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली योजनाओं के शीर्ष लाभार्थी थे।
क्रिकेटर राशिद खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर विच स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म। क्रिकेटर राशिद खान को स्पोर्ट्स बाजी गेमिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इन नवंबर एनवॉयज ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज प्रेजेंटेड क्रेडेंशियल्स टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नवंबर में 6 देशों के राजदूतों ने भारत की राष्ट्रपति के समक्ष परिचय पत्र प्रस्तुत किए। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड MOUs विद CSIR एंड DRDO टू प्रमोट रिसर्च इन मेडिकल सेक्टर। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए CSIR और DRDO के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रॉम विच हेलीकॉप्टर वॉज द नवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज सक्सेसफुली टेस्टेड। नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण Sea King 42B मैरीटाइम हेलीकॉप्टर से किया गया। लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इच बैंक। लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को साउथ इंडियन बैंक का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया। अंडर विच इनिशिएटिव एन MOU वाज साइंड बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड इस्कॉन। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और इस्कॉन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सर्वे ऑफ इंडिया एंड विच कंपनी टाइड अप फॉर अ 3-डायमेंशनल डिजिटल ट्विन मैपिंग प्रोग्राम इन इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया और जेनेसिस इंटरनेशनल ने भारत में त्रिआयामी डिजिटल ट्विन मैपिंग कार्यक्रम के लिए समझौता किया है। अ न्यू स्पीसीज ऑफ म्यूजिक फ्रॉग निदिराना नोदिही वॉज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। म्यूजिक मेंढक की एक नई प्रजाति निदिराना नोदिही अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड $500 million यूएस डॉलर लोन टू अप्रूव मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच स्टेट। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $500 million के ऋण को मंजूरी दी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एंड विच बैंक अनाउंस पार्टनरशिप टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ डिजिटल रूपी एट IGL स्टेशंस इन द दिल्ली NCR रीजन। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और इंडसइंड बैंक ने दिल्ली NCR क्षेत्र में IGL स्टेशनों पर डिजिटल रुपए के उपयोग की सुविधा के लिए साझेदारी की घोषणा की। NASCOM साइंड एन MOU विद NRW ग्लोबल टू एस्टेब्लिश लॉन्च पैड इन विच कंट्री। NASCOM ने जर्मनी में लॉन्च पैड स्थापित करने के लिए NRW ग्लोबल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन डिपॉजिटरी टू होल्ड हाउ मेनी एक्टिव डिमेटेरियलाइजेशन अकाउंट्स। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड 10 करोड़ सक्रिय डिमेटेरियलाइजेशन खाते पंजीकृत करने वाली पहली भारतीय डिपॉजिटरी बन गई है। वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विच कंट्री वॉन 2023 डेविस कप टाइटल। इटली ने 2023 डेविस कप खिताब जीता है। हु विल बी द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी टू कमांड इंडियन नेवल वारशिप। भारतीय नौसेना युद्धपोती कमान संभालने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी प्रेरणा देवस्थली होंगी। वट हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डू बाई रीनेमिंग आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम रखने का फैसला लिया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड November 25th एज नो नॉन वेज डे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है। विच फॉर्मूला वन रेसर वॉन अबूधाबी GP 2023। फॉर्मूला वन रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने अबूधाबी ग्रां प्री 2023 जीता है। हु टॉप्ड हुरुन्स लिस्ट ऑफ 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ मिलेनिया। सहस्राब्दी के 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की हुरुन सूची में राधा किशन दमनी शीर्ष पर रहे। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ विच फाइनेंस कमीशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16th फाइनेंस कमीशन के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दी है। वट इज द ड्यूरेशन फॉर विच द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हैज बीन एक्सटेंडेड। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। हाउ मेनी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल रिसीव ड्रोन्स अंडर अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद एन आउटले ऑफ ₹1,261 करोड़। 1,261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्राप्त होंगे। What are the names of the first 3 ships of the anti-submarine warfare shallow water craft project being built by Cochin Shipyard Limited? Cochin Shipyard Limited द्वारा बनाए जा रहे anti-submarine warfare shallow water craft परियोजना के पहले 3 जहाजों का नाम है माहे, मालवानवन, मैंग्रोल। Which edition of the Coast Guard Commanders Conference was inaugurated by रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन के 40वें संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। How many Indian Ocean region littorals participated in the high-level virtual interaction Mahasagar hosted by Indian Navy?
भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर में हिंद महासागर क्षेत्र के 10 देशों की नौसेना समुद्र एजेंसियों के प्रमुखों ने भाग लिया। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द प्रेजिडेंट्स कलर टू आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज एट विच प्लेस। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेजिडेंट कलर प्रदान किया है। वट इज द सेंट्रल शेयर इन द टोटल आउटले फॉर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के लिए कुल पर्यवय में केंद्रीय हिस्सेदारी 15,336 करोड़ रुपये की है। द 24th एडिशन ऑफ द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल बिगेन इन विच स्टेट। हॉर्नबिल उत्सव का 24वां संस्करण नागालैंड में शुरू हुआ। हु रिसेंटली बिकेम द थर्ड फीमेल ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू बनी। वट वॉज द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द जुलाई टू सितंबर क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल 2023-24। वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था विकास दर 7.6% रही। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विच टू सेंट्रल बैंक साइंड एन इनिशियल पैक्ट फॉर कॉपरेशन रिगार्डिंग क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो आरबीआई एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में सहयोग के लिए प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वट इज द अमाउंट ऑफ द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बैंक ऑफ अमेरिका। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका पर लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि 10,000 रुपये है। विद हुम डिड एनएलसी इंडिया लिमिटेड साइन द ट्रिपार्टाइट एमओयू इन चेन्नई। चेन्नई में एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नेतूर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज एसपीएम गोवर्धन बायोगैस कॉन्फ्रेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स ने एसपीएम गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का उद्घाटन किया या आयोजन किया। यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह इनॉग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया रोड ट्रेवल्ड एंड अपॉर्चुनिटी अहेड इन विच सिटी। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने गांधीनगर में ऊर्जा परिवर्तन सड़क यात्रा और आगे के अवसर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। हु इनॉग्रेटेड द सारस फूड फेस्टिवल एट न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में सारस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन फागन सिंह कुलस्ते ने किया है। वट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द अप्रूव्ड प्रपोजल बाय द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल टू इनहेंस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ आर्म फोर्सेज। सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की कुल मूल्य राशि 2.23 लाख करोड़ रुपीज है। इंडिया हैज फॉर्म्ड अ पैनल टू प्रूव एलिगेशंस ऑफ अ प्लॉट टू किल विच खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ऑन यूएस सोइल। भारत ने किस खालिस्तानी अलगाववादी को अमेरिका में मारने की साजिश के आरोपी की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया। सही आंसर ऑप्शन डी है, गुरपतवंत सिंह पन्नू। हु लॉन्च द ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव एट COP28। COP28 में ग्रीन क्रेडिट पहल नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की। हुज स्टैचू वॉज अनवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट राजकोट फोर्ट इन महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विच बेंगलुरु बेस्ड ऑथर वॉज कन्फर्ड विद नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। बेंगलुरु स्थित लेखक आर्शिया सतार को फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। विच एजेंसी ऑर्गेनाइज फर्स्ट रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेस टू लीगल एड। सो नालसा ने कानून सहायता तक पहुंच पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया। एंड्री राजोलेना हैज बीन रीइलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। एंड्री राजोलेना को मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। वेयर वॉज द 46th मीटिंग ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हेल्ड। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की 46वीं बैठक रोम में आयोजित की गई। वट इज द टर्म ड्यूरेशन फॉर इंडियाज रीइलेक्शन टू द इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में भारत 2024-25 के लिए फिर से चुना गया। विच शिपयार्ड बिल्ड द फर्स्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप संधायक यार्ड 3025। पहला सर्वेक्षण पोत जहाज संधायक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया है। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल इनॉग्रेटेड। विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। वेयर वॉज द डीप टेक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम समृद्धि कॉन्क्लेव इनॉग्रेटेड। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान का उद्घाटन IIT रोपड़ में हुआ है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के महानिदेशक के रूप में कंचन देवी को नियुक्त किया गया। विच टेक्नोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवेज टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय एलिफेंट्स ऑन रेलवे ट्रैक्स।
रेल पटरियों पर हाथियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने गजराज सुरक्षा तकनीक शुरू की है। विच कंपनी सोल्ड इट्स एंटायर 2.46% स्टेक इन पेटीएम फॉर ₹1,371 करोड़। बर्कशायर हैथवे ने पेटीएम में अपनी पूरी 2.46% हिस्सेदारी ₹1,371 करोड़ में बेच दी। विच डिक्शनरी डिक्लेयर्ड ऑथेंटिक एज द वर्ड ऑफ द ईयर, सो मेरियम वेबस्टर ने ऑथेंटिक को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी एस्टेब्लिश्ड एट विच IIT, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र IIT रुड़की में स्थापित किया जाएगा। विच पेमेंट्स बैंक हैज अपॉइंटेड रजत कुमार जैन एज पार्ट टाइम चेयरमैन, सो फिनो पेमेंट्स बैंक ने रजत कुमार जैन को अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। वट इंस्ट्रूमेंट डिड बी शशि कुमार हु पास्ड रिसेंटली प्राइमरी प्ले, बी शशि कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया, मुख्य रूप से वायलिन के प्रतिपादक थे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग वन 2023 UNSCR नायनसेन रिफ्यूजी अवार्ड, सो अब्दुल्लाही मायर ने 2023 UNSCR नायनसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। सिक्स वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट वॉज हेल्ड एट विच प्लेस, आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस देहरादून में आयोजित की गई। वट इज द ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया रिटेन बाई OECD फॉर फिस्कल 24 के लिए OECD द्वारा भारत के लिए विकास अनुमान 6.3% है। कोल एंड माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी लॉन्च्ड द ऑक्शन ऑफ हाउ मेनी क्रिटिकल मिनरल्स वर्थ ₹45,000 करोड़, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने 75,000 करोड़ रुपए के 20 महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी शुरू की। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेजिडेंट ऑफ रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर 2023-2025 के लिए रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष पुनीत विद्यार्थी को नियुक्त किया गया। अ हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय अमित शाह हैज अप्रूव्ड अ रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्लान ऑफ ₹1,658.17 करोड़ फॉर जोशीमठ विच इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ के लिए 1,658.17 करोड़ रुपये की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। विच बायोटेक्नोलॉजी कंपनी हैज साइंड एन MOU विद सिडनी यूनिवर्सिटी टू कोलेबरेट ऑन एडवांसिंग वैक्सीन रिसर्च इनिशिएटिव्स, सो भारत बायोटेक ने वैक्सीन अनुसंधान पहल को आगे बढ़ाने में सहयोग के लिए सिडनी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मेटा हैज एंटर्ड इनटू अ 2-ईयर पार्टनरशिप विद विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर डिजिटल एजुकेशन एंड ऑनलाइन यूजर सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स। मेटा ने छात्रों की डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन उपयोगकर्ता सुरक्षा के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ 2 साल की साझेदारी की है। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2023 वेयर अनीश बानवाला वोन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मैंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल हेल्ड इन विच सिटी। ISSF विश्व कप फाइनल 2023 जहां अनीश बानवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में कांस्य पदक जीता, दोहा कतर में संपन्न हुआ। SBI म्यूचुअल फंड विल एक्वायर अप टू 9.99% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स ऑफ विच प्राइवेट सेक्टर बैंक। SBI म्यूचुअल फंड करूर वैश्य बैंक में जो चुकता शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकार का 9.99% अधिग्रहण करेगा। सेबी अप्रूव्ड रिड्यूसिंग द इशू साइज ऑफ 0 coupon 0 principal इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम ₹1 करोड़ टू वेट अमाउंट। सेबी ने 0 coupon 0 principal इंस्ट्रूमेंट के इशू साइज को ₹1 करोड़ से घटाकर ₹50,00,000 करने को मंजूरी दी। विच बैंक हैज अनाउंस्ड अ कोलेबरेशन विद NCDEX ई मार्केट्स लिमिटेड NEML फॉर इनहेंस्ड ई प्रोक्योरमेंट एंड ई ऑक्शन। सो फेडरल बैंक ने उन्नत ई खरीद और ई नीलामी के लिए NCDEX ई मार्केट्स लिमिटेड के साथ सहयोग की घोषणा की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ पीस एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, सो मणिपुर राज्य सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। Which company has entered into an agreement with Satellogic for building low earth orbit satellites in India? भारत में निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रहों के निर्माण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स ने Satellogic के साथ समझौता किया है। Which Indian artist has been included in the list of the world's most influential personalities in the field of art prepared by Art Review? Art Review द्वारा तैयार की गई कला के क्षेत्र में दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में बोस कृष्णमाचारी को शामिल किया गया है। बंधन बैंक अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर घोष एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर वट ड्यूरेशन। बंधन बैंक ने 3 साल के लिए
अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चंद्रशेखर घोष की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी। वट इज द टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज फॉर द एंटायर कंट्री इन 2023 एज पर डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत द्वारा जारी गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट के अनुसार 2023 में पूरे देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर्स रहा है। विच फोक डांस फॉर्म फ्रॉम इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज बाय यूनेस्को। भारत के गरबा लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। विच पार्टी वॉन द मेजोरिटी नंबर ऑफ सीट्स इन मिजोरम। मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट ने सर्वाधिक सीटें जीती हैं। हु इज द न्यू CM ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के नए CM ए रेवंत रेड्डी हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर के रूप में सुरेश रैना को नियुक्त किया गया। विच कंपनी इज पार्टनरिंग विद ब्रुकफील्ड टू सेटअप 45 मेगावाट सोलर एनर्जी पार्क इन राजस्थान। राजस्थान में 45 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान यूनियन लिमिटेड ने ब्रुकफील्ड के साथ साझेदारी की है। हाउ मच इज द पेनल्टी अमाउंट इम्पोज ऑन एयर इंडिया बाई DGCA। DGCA द्वारा एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इन नवंबर व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द सीजनली एडजस्टेड S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। नवंबर में S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स की वैल्यू 56 थी। ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस डिड मोर देन 20 कंट्रीज लॉन्च द डिक्लेरेशन टू ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी। सो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान 20 से अधिक देशों ने ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी की घोषणा जारी की। इंडिया विल प्रोवाइड $250 million लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच कंट्री फॉर एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन। भारत कृषि आधुनिकीकरण के लिए केनिया देश को $250 million की ऋण सहायता प्रदान करेगा। हु रिलीज्ड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 ऑन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। शहरी नियोजन और विकास पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 वेंकैया नायडू ने जारी की। इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड $175 million लोन टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन विच स्टेट। भारत और एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $175 million के ऋण पर हस्ताक्षर किए। 2023 यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन विसेगी। 2023 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्री स्तरीय बैठक एकरा घाना में आयोजित हुई है। बाय व्हाट परसेंटेज डिड इंडिया रिड्यूस इट्स GHG एमिशन इंटेंसिटी बिटवीन 2005 एंड 2019। 2005 और 2019 के बीच भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पादन उत्सर्जन तीव्रता में 33% की कमी की। Who among the following Indians has not been named on the 17th edition of Forbes Asia's Heroes of Philanthropy list? So, निम्नलिखित भारतीयों में से विजय शेखर शर्मा 17वें Forbes Asia Heroes of Philanthropy सूची में शामिल नहीं है। Which platform announced a partnership with DBS Bank India, Visa and Amazon to aid MSME growth? So, Godrej Capital Nirman ने MSME विकास में सहायता के लिए DBS Bank India, Visa और Amazon के साथ साझेदारी की घोषणा की। विच इंडियन टेनिस प्लेयर वॉन ITF कालाबुर्गी ओपन 2023। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन ने ITF कालाबुर्गी ओपन 2023 जीता। इंडिया इज सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 विच एजेंसी स्टेटेड। भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा S&P ने अनुमान लगाया है। वट इज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023 एज चूजन बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर रीड्स को चुना गया है। When is the International Anti-Corruption Day observed? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। Who conferred the National Awards for the Empowerment of Divyangjan 2023? दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए। Who has been appointed as the AP camp to Mizoram Governor Dr. Haribabu Kamampati? मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कमंपति के AP camp के रूप में मनीषा पारी को नियुक्त किया गया। Which country jointly with Egypt launched MISROSAT 2 satellite into space? So, China ने मिस्र के साथ संयुक्त रूप से MISROSAT 2 उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। The world's largest and most advanced nuclear fusion reactor started its operations in which country? विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर ने जापान में अपना परिचालन शुरू किया। Who has been selected as new BBC chairman? BBC के नए चेयरमैन के रूप में समीर शाह को नियुक्त किया गया। What is the name of Google's latest large language model LLM that was launched recently? Google के नवीनतम लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम जेमिनी है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। Who has become the first Indian woman to bag the Vice Prize? Vice पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला सफीना हुसैन बनी है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक विल प्रोवाइड 200 मिलियन यूएस डॉलर फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम इन्वेस्टमेंट इन विच स्टेट। एशियाई विकास बैंक उत्तराखंड राज्य में क्लाइमेट रेजिलिएंट विद्युत प्रणाली संवर्धन के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रोवाइड कराएगा। विच स्टेट इंक अ पैक्ट विद बिजनेस फिनलैंड टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य ने बिजनेस फिनलैंड के साथ समझौता किया है। SBI will acquire 1% stake in SBI pension funds for 230 crore rupees। SBI 230 crore rupees में SBI pension fund में 20% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। Which bank has collaborated with Accenture to design and develop a secure enterprise data lake platform? सुरक्षित enterprise data lake platform को design और विकसित करने के लिए Union Bank of India ने Accenture के साथ सहयोग किया है। Which insurer has appointed Rajiv Anand as chairman? So Max Life Insurance ने Rajiv Anand को chairman नियुक्त किया है। How many transactions were recorded on the UPI platform in November? November में UPI platform पर 11.2 billion लेनदेन दर्ज किए गए। Which among the following countries has secured the position of vice chair for the UNESCO Executive Board for 2023 to 2025 from the Asia Pacific Group? पाकिस्तान ने एशिया प्रशांत समूह से 2023 से 2025 के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष पद प्राप्त किया है। विच एजेंसी बैक्ड ISSA विजन 0 2023 अवार्ड एट द 23rd वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर 23वीं विश्व कांग्रेस में ASIC ने ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार जीता है। Which Indian PSU does not figure in the list of the top 100 arms producing companies according to SIPRI? SIPRI के अनुसार BHEL शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में शामिल नहीं है। What is the theme for 2023 Human Rights Day on December 10? 10 दिसंबर को मनाए जाने वाले 2023 मानवाधिकार दिवस का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। When is the International Mountain Day celebrated? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। Who has been named Person of the Year by Time Magazine? Time Magazine ने Taylor Swift को Person of the Year नामित किया है। What position does Nirmala Sitharaman hold in Forbes annual list of the world's most powerful women of 2023? Forbes द्वारा प्रकाशित 2023 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में निर्मला सीतारमन 32वें नंबर पर है। India has announced an assistance of $1 million to which country in wake of the volcanic eruption of Mount Ulawun? भारत ने Mount Ulawun में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पपुआ न्यू गिनी को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2023 वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग? 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत की रैंक 49th है। हु वाज द हेड ऑफ द एथिक्स पैनल इन्वेस्टिगेटिंग द कैश फॉर क्वेरी एलिगेशंस पर्टेनिंग टू महुआ मोहित्रा? महुआ मोहित्रा से संबंधित कैश फॉर क्वेरी आरोपी की जांच करने वाले एथिक्स पैनल के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर हैं। Who has become the first woman medical officer of the Indian Army to be deployed in Siachen? Siachen में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी केतिका कॉल हैं। Where was the IBA Junior World Boxing Championship 2023 held? IBA Junior विश्व बॉक्स मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 आर्मेनिया में आयोजित की गई। Who has taken charge as the Executive Director of Insolvency and Bankruptcy Board of India? भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में जितेश जॉन ने जो है को नियुक्त किया गया है। Which Indian origin novelist was honored with Singapore's highest art honor culture medallion? So भारतीय मूल के उपन्यासकार मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान कल्चर मेडेलियन से सम्मानित किया गया। मेरा गांव मेरी धरोहर अ पैन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? मेरा गांव मेरी धरोहर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक पहल है। Whose statue was recently installed in जयपुर वैक्स म्यूजियम? हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई। The RBI has proposed enhancing the limit for UPI payments to hospitals and educational institutions from rupees 1 lakh to what amount per transaction? RBI ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए UPI भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति लेनदेन 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। What is the GDP growth forecast for the current financial year 2023-24 according to Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान 7% है। Who has been appointed next Chief Minister of Chhattisgarh? छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को नियुक्त किया गया। What is India's rank in the Climate Change Performance Index? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 7th है। What is the theme for 2023 International Universal Health Coverage Day on December 12? 12 दिसंबर को मनाए जाने वाले 2023 अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का विषय हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन है।
वेन इज द यूनिसेफ डे सेलिब्रेटेड? यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। निधि सिरोल हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज इंडियाज फर्स्ट पेशेंट ऑफ विच डिजीज? निधि सिरोल जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये भारत की पोम्पे बीमारी की पहली मरीज थी। इंडियन विच कंट्री हैव जॉइंटली लॉन्च्ड लेड आईटी 2.0? भारत और स्वीडन ने संयुक्त रूप से लेड आईटी 2.0 लॉन्च किया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इंक्रीज द लिमिट फॉर ई मैंडेट्स टू हाउ मच पर ट्रांजेक्शन? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ई मैंडेट की सीमा प्रति लेन देन 1 लाख रुपये तक बढ़ा दी है। वट परसेंटेज ऑफ द टोटल लोन्स रिटर्न ऑफ इन फिजिकल 23 बिलोंग टू लार्ज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज? फिजिकल 23 में बट्टे खाते में डाले गए कुल ऋणों का 52.3% बड़े उद्योगों और सेवाओं से संबंधित था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गेट द हाइएस्ट नंबर ऑफ 18 GI टैक्स इन अ सिंगल डे? सो उत्तराखंड एक ही दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बना। वट इज द टारगेट ईयर फॉर ट्रिपलिंग द वर्ल्ड्स ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी टू 11,000 GW एज पर पेज टेकन एट COP28? COP28 में लिए गए निर्णय के अनुसार विश्व की हरित ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 11,000 GW करने का लक्ष्य वर्ष 2030 है। विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो ऑप्शन सी है, इंडिया विटनेस्ड एन इंक्रीज इन मलेरिया केसेस एंड डेथ्स इन 2022 एज कम्पेयर टू 2021, ये सही नहीं है क्योंकि डिक्रीज देखने को मिला है ना कि इंक्रीज। बाकी ये स्टेटमेंट सही है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्राम मानचित्र GIS एप्लीकेशन? सो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ग्राम मानचित्र GIS एप्लीकेशन लॉन्च किया। विच सिटी मस्ट एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू NCRB's क्राइम्स इन इंडिया फॉर 2022 रिपोर्ट? NCRB की क्राइम इन इंडिया फॉर 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री मोहन यादव को नियुक्त किया गया। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को नियुक्त किया गया। विच टीम वॉन 2023 FIVB वॉलीबॉल मैंस क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप? सो सर सिकोमा पेरुगिया ने 2023 FIVB वॉलीबॉल पुरुष क्लब विश्व चैंपियनशिप जीती। हु हैज लॉन्च द इनिशिएटिव डेवलप्ड इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ? विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ पहल नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की। हु विल बी ऑनर्ड विद द पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जावेद अख्तर को सम्मानित किया जाएगा। नेम द इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हु वॉज अमंग 11 पर्सन दैट द US गवर्नमेंट रिसेंटली हेल्ड एज इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस फॉर 2023। उस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता का नाम निखिल दे है जो उन 11 व्यक्तियों में शामिल थे जिन्हें अमेरिका सरकार ने हाल ही में 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया। नेम द इंडियन पेयर दैट वॉन द विमेंस डबल्स टाइटल एट द गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? उस भारतीय जोड़ी का नाम है स्विनी पोनप्पा एंड तनिषा क्रेस्टो जिसने गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता। विच कंट्री होस्टेड 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस? 27वें विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है न्यू दिल्ली में। वट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंटरपोल ऑपरेशन बींग कंडक्टेड टू चेक फ्रॉड स्कीम्स इंक्लूडिंग फेक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉडलेंट वर्क फ्रॉम होम ऑफर्स? धोखाधड़ी योजनाओं की जांच के लिए आयोजित किए जा रहे पहले इंटरपोल ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड। टाटा न्यू हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च रिवार्डिंग को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स? टाटा न्यू ने सेल ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की। इंडिया रिसेंटली बिकेम अ मेंबर ऑफ द BESS कंसोर्टियम। व्हाट डज BESS स्टैंड फॉर? भारत हाल ही में BESS कंसोर्टियम का सदस्य बना। BESS का मतलब है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। विच यूनिवर्सिटी हैज बीन फीचर्ड एज द मोस्ट सस्टेनेबल इंडियन इंस्टीट्यूट इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को सबसे ज्यादा भारतीय संस्थान के रूप में नामित किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अमा बैंक टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज इन ऑल अनबैंक्ड ग्राम पंचायत? सो उड़ीसा राज्य सरकार ने सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अमा बैंक लॉन्च किया। द RBI has imposed a monetary penalty of 10.54 lakh rupees on which city based Barar Finance Limited for non-compliance with certain provisions of the KYC directions 2016. RBI ने KYC दिशा निर्देश 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर नागपुर शहर स्थित बरार फाइनेंस लिमिटेड पर 10.54 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
व्हाट इज़ द न्यू जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द करंट फिस्कल अकॉर्डिंग टू सीआईआई? सीआईआई के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान 6.8% है। व्हाट इज एलआईसी रैंक इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन रिजर्व्स अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय एसएनपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस? एसएनपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व के आधार पर दुनिया में एलआईसी की रैंक 4th है। पहले नंबर पर एलायंस एससी जर्मनी। विनबैक्स 2023 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? विनबैक्स 2023 भारत और वियतनाम के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह चेयर द 26th मीटिंग ऑफ द ईस्टर्न जोनल काउंसिल इन विच सिटी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना शहर में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। विच कंट्री वॉन द 12th एडिशन ऑफ एडमिरल्स कप? एडमिरल कप का 12वां संस्करण इटली ने जीता। वेन इज द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च ग्लोबल मिथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट? सो वर्ल्ड बैंक ने विकास के लिए ग्लोबल मिथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंट एबल्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से प्रशांत अग्रवाल को सम्मानित किया गया। विच कंपनी हैज रिड्यूस इट्स स्टेक इन HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू 6.953% फ्रॉम 9.046%? सो LIC ने HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 9.046% से घटाकर 6.953% कर दी है। एयर इंडिया एंड विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैव एंटर्ड क्रेडिट कार्ड पॉइंट कन्वर्जन पार्टनरशिप? एयर इंडिया और एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड पॉइंट रूपांतरण साझेदारी की है। विच बैंक हैज लॉन्च नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट? सो बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया। वेयर हैज मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर बीन लॉन्च इन इंडिया? भारत में आधुनिक कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। विच PSU साइंड अ 200 मिलियन यूरो लोन एग्रीमेंट विद द जर्मन बैंक KfW टू इनहेंस द डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिस्कम्स? सो REC ने डिस्कम्स के वितरण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए जर्मन बैंक KfW के साथ 200 मिलियन यूरो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वेयर हैज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनले 2023? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन बिनाले 2023 का उद्घाटन रेड फोर्ट में किया। हु लॉन्च द बुक नए भारत का सामवेद? नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन रामनाथ कोविंद ने किया। विच सर्टिफिकेशन स्कीम वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम शुरू की गई। वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर वुमेन ऑफिसर्स ऑफ आशियान? भारतीय सेना ने आशियान की महिला अधिकारियों के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज न्यू दिल्ली में आयोजित की। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर द एक्विजिशन ऑफ डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट? रक्षा मंत्रालय ने डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना के अधिग्रहण के लिए TCIL के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। विच बैंक वॉज एडजस्ट बेस्ट प्राइवेट बैंक फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ प्राइवेट बैंकर्स एशिया एंड प्राइवेट बैंक फॉर ग्रोथ स्ट्रेटजी एशिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2023? आंसर इज ऑप्शन सी HDFC बैंक। हु विल बी कन्फर्ड 33rd व्यास सम्मान? 33वें व्यास सम्मान से पुष्पा भारती को सम्मानित किया जाएगा। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड ऑन द ऑपरेशनल पोस्ट ऑन द सियाचिन ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी फतिमा वसीम बन गई। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट इन न्यू दिल्ली। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर पार्ट ऑफ GPAI? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस GPAI का हिस्सा 28 सदस्य देश हैं। वेयर वॉज द ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन कंडक्टेड? कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का प्रशिक्षण प्रक्षेपण APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में किया गया। विच कंपनी सेलिब्रेट्स हनुका फेस्टिवल? हनुका उत्सव जीव समुदाय मनाता है। विच स्टेट सेलिब्रेट्स शार अमरतला तुरग्या फेस्टिवल एवरी ईयर? सो अरुणाचल प्रदेश हर वर्ष शार अमरतला तुरग्या उत्सव मनाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज एंटर्ड इनटू अ कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूट फॉर स्कॉलरशिप टू एक्स सर्विसमैन? रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों को स्कॉलरशिप के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ सहयोग किया है। हु इनॉग्रेट 59th फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनुअल सेमिनार 2023? 59th फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वार्षिक सेमिनार 2023 का उद्घाटन मानसुख मांडवीय ने किया है।
व्हाट इज़ द थीम ऑफ द सेकंड एडिशन ऑफ इन्फिनिटी फोरम? इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का विषय है गिफ्ट IFSC, नर्व सेंटर फॉर न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड? पोलैंड का प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क को नियुक्त किया गया। विच एक्टर हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद इटलीज हाइएस्ट सिविलियन ऑनर? हाल ही में कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 2000 रन इन T20 इन टर्म्स ऑफ बॉल्स प्लेट? T20 में सबसे कम बॉल्स पर सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बन गए। हु इज़ द ओनली इंडियन क्रिकेटर इन द लिस्ट ऑफ गूगल्स टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीट्स इन द ईयर 2023? वर्ष 2023 में गूगल के शीर्ष 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल हैं। इन विच कंट्री वॉज अ स्टैचू डेडिकेटेड टू थिरुवल्लुवर अनवील्ड रिसेंटली? हाल ही में फ्रांस देश में थिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिभा का अनावरण किया गया। विच ब्रिटिश इंडियन कंपोजर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 2024 बुकर प्राइज जजिंग पैनल? सो ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन सानी को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया। विच ब्लॉक सिक्योर्ड द टॉप पोजिशन इन द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग्स ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम अनाउंस्ड बाय नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में त्रियानी ब्लॉक तेलंगाना ने शीर्ष स्थान हासिल किया। हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया USA 2023? मिस इंडिया USA 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। हु आर द जॉइंट रेसिपियंट्स ऑफ द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023? 2023 के शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के संयुक्त प्राप्तकर्ता कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी है डेनियल बैरनबॉइम एंड अली अबू अवाद। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट? मध्य प्रदेश राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्रीज नाइहोल्म प्राइज? शिक्षा के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के नियोहम पुरस्कार से सविता लड़ागे को सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में अंतिम पंगल को नामित किया गया। विच इंडियन PSU हैज साइंड अ पैक्ट विद CFM मोजाम्बिक फॉर सप्लाई ऑफ 10 डीजल लोकोमोटिव्स? सो भारतीय सार्वजनिक उपक्रम राइट्स ने 10 डीजल इंजनों की आपूर्ति के लिए CFM मोजाम्बिक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। व्हाट परसेंटेज स्टेक डिड SBI म्यूचुअल फंड एक्वायर इन करूर वैश्य बैंक? SBI म्यूचुअल फंड ने करूर वैश्य बैंक में 1.5% की हिस्सेदारी हासिल की। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज क्लियर्ड अ प्रपोजल टू परचेज 70,000 सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स फ्रॉम विच US बेस्ड सप्लायर फॉर इंडियन आर्मी? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अमेरिका स्थित 6,000 से 70,000 अर्ध स्वचालित असॉल्ट राइफलें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एंड विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव एंटर्ड इनटू अ बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बैंक अश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड अ $200 मिलियन US लोन टू सपोर्ट द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का समर्थन करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड 70 मिलियन euro लाइन ऑफ क्रेडिट विद विच जर्मन बैंक फॉर प्रमोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन द कंट्री? भारतीय स्टेट बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन बैंक KfW के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड विच इंडियन बैंक एज द टॉप परफॉर्मर ऑफ द 2023 क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवार्ड्स फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जलवायु रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय संस्थानों पुरस्कारों के लिए 2023 जलवायु मूल्यांकन के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में फेडरल बैंक को सम्मानित किया है। फिनटेक कंपनी इंटेलेक्ट साइंड 80 करोड़ रुपीज डील विद विच बैंक फॉर कैश मैनेजमेंट? फिनटेक कंपनी इंटेलेक्ट ने नकदी प्रबंधन के लिए इंडियन बैंक के साथ 80 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। वेयर डू रिसर्चर्स फ्रॉम बहरामपुर यूनिवर्सिटी डिस्कवर द न्यू स्पीसीज ऑफ मैरीन एम्फीफोड डेमोचेस्टिया एलेनेसिस? बहरामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने समुद्री एम्फीबोट की नई प्रजाति डेमोचेस्टिया एलोनोसिस की खोज चिलिका लेक उड़ीसा में की है।
मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच पीएसयू फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस। रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए बीएल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। वट रेशियो इंक्रीज टू 3.9% फॉर ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक्स इन द फाइनेंशियल 2022-23। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के लिए टोटल इनकम टू एसेट्स रेशियो बढ़कर 3.9% हो गया। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तर्मुगली वॉज कमीशन एट विच नेवल डॉकयार्ड। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तर्मुगली को विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। हु इनॉग्रेटेड द सूरत डायमंड बोर्स इन सूरत गुजरात। सूरत गुजरात में सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। वेन इज द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। वट इज द नेम ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च इन अलापुजा केरल। केरल के अलापुजा में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का नाम है बाराकूटा। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक संपत्ति अधिकार के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और इटली के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। बीसीसीआई हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू रिटायर द जर्सी ऑफ विच फॉर्मर क्रिकेटर। बीसीसीआई ने हाल ही में पूर्व क्रिकेटर MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रीच्ड अ प्रोविजनल डील ऑन द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लॉज टू रेगुलेट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यूरोपियन यूनियन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को विनियमित करने के लिए दुनिया के पहले व्यापक कानूनों के सेट पर एक अंतिम समझौते पर पहुंच गया है। विच इंस्टीट्यूट साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद नीति आयोग फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। सो IFRPI ने कृषि परिवर्तन और ग्रामीण विकास के लिए नीति आयोग के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च द मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन नेम्ड मेबेला। हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने मेबेला नाम से खसरा और रूबेला वैक्सीन लॉन्च की है। विच सिटी हैज ईज्ड इट्स नेम इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स बाय होस्टिंग द लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी। सबसे बड़ी पठन गतिविधि की मेजबानी करके पुणे ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। इंडियन नेवी एंड विच IIT साइन MOU टू ड्राइव इनोवेशन थ्रू रिसर्च पार्टनरशिप। भारतीय नौसेना और IIT कानपुर ने अनुसंधान साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वेयर वॉज द फ्लाइट ट्रायल ऑफ द ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कंडक्टेड बाय DRDO। DRDO द्वारा ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का उड़ान परीक्षण कर्नाटक में किया गया। विच कंट्री हैज बीन चूजन एज द पार्टनर एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम इन सेंट लूसिया। सेंट लूसिया में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम के लिए भारत को साझेदार प्रशासन के रूप में चुना गया। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2023 रिपोर्ट नेम्ड हाउ मेनी स्टेट्स एज अचीवर्स इन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट में 11 राज्यों को लॉजिस्टिक प्रदर्शन में अचीवर्स के रूप में नामित किया गया है। PM नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा इन 5 स्टेट्स। विच स्टेट्स हैज द कैंपेन बीन इनॉग्रेटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना एंड मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। विच इंडियन रिसेंटली सक्सेसफुली क्लाइम्ड अंटार्कटिकास हाईएस्ट पीक माउंट विंसन। हाल ही में शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इन विच सिटी प्रेम नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। विच कंट्री हैज अपॉइंटेड रूवेन अजर एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया। रूवेन अजर को इसराइल ने भारत में नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। हु हैज बिकम द 8th बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक 500 और मोर विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में 500 या अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन बने हैं। हु फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू द आर्कटिक फ्रॉम न्यू दिल्ली। नई दिल्ली से आर्कटिक के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को किरण रिजिजू ने हरी झंडी दिखाई। विच स्टेट बैक्ड फर्स्ट पोजिशन इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हाउ मेनी टारगेट्स ऑफ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन डिड इंडिया अचीव वेल अहेड ऑफ द टाइम। भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के
दो लक्ष्य को समय से पहले हासिल किया है। वट इज द इशू प्राइस फिक्स्ड बाय द आरबीआई फॉर द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सीरीज 3 फॉर द फिस्कल 2023-2024 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना श्रृंखला 3 का आरबीआई द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य है 6,199 रुपीज पर ग्राम। एज पर द लेटेस्ट ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023 वट इज द एनुअल नंबर ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ्स। सड़क सुरक्षा पर नवीनतम वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सड़क यातायात से होने वाली मौतों की वार्षिक संख्या 1.19 मिलियन पर ईयर है। LIC कार्ड्स मास्टर कार्ड एंड विच बैंक हैव कोलैबोरेटेड टू लॉन्च एन एक्सक्लूसिव कोमेंडेड क्रेडिट कार्ड। LIC कार्ड मास्टर कार्ड और IDFC फर्स्ट बैंक ने एक विशेष सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। हु फ्रॉम इंडिया वॉज रिसेंटली इलेक्टेड टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। हाल ही में भारत से उमा शेखर को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया। विच कंट्री हैज कमेंस द ऑपरेशंस ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर। सो चाइना ने दुनिया के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का संचालन शुरू किया। हु हैज बीन नेम्ड मेन्स इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन 2023। पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियन 2023 नोवाक जोकोविच को चुना गया है। Who have become the first Asian man to be inducted into the International Tennis Hall of Fame? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं विजय अमृतराज एंड लिएंडर पेस। Who has been re-elected as the President of Egypt? मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में पुनः अब्दुल फताह अल सीसी को चुना गया। Which country won 2023 Men's FIH Hockey Junior World Cup? 2023 पुरुष FIH Hockey Junior विश्व कप जर्मनी ने जीता, फ्रांस को हराया फाइनल में। Which country won 2023 ACC Under-19 Asia Cup? 2023 ACC Under-19 Asia Cup Bangladesh ने जीता। Which state has become second largest economy in India? So उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। When is the Good Governance Week celebrated? सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया गया। Recently the government of India signed a loan agreement of $250 million with which institution for industrial corridor development? हाल ही में भारत सरकार ने औद्योगिक गलियारा विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $250 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द आरबीआई हैज इम्पोज्ड टर्म मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन द मन मंदिर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वीटा महाराष्ट्र। आरबीआई ने मन मंदिर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वीटा महाराष्ट्र पर 3 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। विच टू एंटिटीज रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एन एमटेक कोर्स इन सिस्टम्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। हाल ही में इंडियन नेवी एन IIT मुंबई ने सिस्टम्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में एमटेक पाठ्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। व्हाट इज द ग्रोथ परसेंटेज ऑफ ग्रोस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह का वृद्धि प्रतिशत 17.01% है। इन विच स्टेट इज द ककरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड। ककरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। अकॉर्डिंग टू SBI रिपोर्ट व्हेन विल वुमेन वोटर्स इन इंडिया सरपास मेल वोटर्स। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिला मतदाता 2029 जनरल इलेक्शन से के दौरान जो है पुरुष मतदाताओं से आगे निकल जाएंगी। विच पेमेंट कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सेल्फ होस्टेड पेमेंट्स ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म नेम्ड फ्लोवाइज। सो भुगतान कंपनी कैश फ्री पेमेंट्स ने फ्लोवाइज नाम से भारत का पहला स्व होस्टेड भुगतान ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। विच बैंक इन पार्टनरशिप विद IIT कानपुर लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुल इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। IIT कानपुर के साथ साझेदारी में कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूर्णता एकीकृत स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया है। द वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बिकेम ऑपरेशनल इन विच कंट्री। विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला चाइना में चालू हुई। हाउ मेनी इंडियन आर्म फोर्सेज ऑफिसर्स अवार्डेड गोल्डन आउल फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज इन श्रीलंका। श्रीलंका में डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 भारतीय सशस्त्र बल अधिकारियों को गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया। आउट ऑफ टोटल 44.46 करोड़ लोन सैंक्शन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हाउ मच परसेंट हैव बीन सैंक्शन टू वुमेन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत कुल 44.46 करोड़ ऋणों में से 69% महिलाओं को स्वीकृत किया गया है। इस स्टेट वॉन 2023-24 विजय हजारे ट्रॉफी। 2023-24 विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा राज्य ने जीती है।
नेम द लोकसभा सेक्रेटरी जनरल हु वॉज ग्रांटेड अ फर्दर एक्सटेंशन इन टेन्योर फॉर वन ईयर। लोकसभा महासचिव का नाम उत्पल कुमार सिंह है जिनका कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हु विल चेयर द 12 मेंबर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अर्जुन द्रोणाचार्य अवार्ड सिलेक्शन कमेटी। 12 सदस्यीय मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अर्जुन द्रोणाचार्य पुरस्कार चयन समिति की अध्यक्षता अजय मानिक राव खानविलकर करेंगे। हु हैज बीन अवार्डेड जमनालाल बजाज अवार्ड 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। महिला और बच्चों के विकास और कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2023 से सुधा वर्गीस को सम्मानित किया गया। हु वॉन 2023 नेक्स्ट जनरेशन ATP फाइनल्स। 2023 नेक्स्ट जनरेशन ATP फाइनल्स हमद मेडजुडोविक ने जीता है। विच कंट्री रिसीव द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस इनफ्लोज इन द वर्ल्ड इन 2023 एट $125 बिलियन। 2023 में भारत को दुनिया में सबसे अधिक $125 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेक्षण प्राप्त हुआ। विच इंडियन नेशनल हैज बीन अवार्डेड भूटान्स प्रेस्टिजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। सो भारतीय नागरिक पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। वेयर हैज द ऑफिस कम ट्रेनिंग सेंटर ऑफ भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी कि BSAC एन बीन इनोग्रेटेड। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान के कार्यालय सह प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति 2023 टुक प्लेस इन विच स्टेट। अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ। व्हाट इज द न्यू ग्रेच्युटी लिमिट नोटिफाइड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन फॉर इट्स एजेंट। जीवन बीमा निगम द्वारा अपने एजेंटों के लिए अधिसूचित नई ग्रेच्युटी सीमा ₹5 लाख है। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्किल्ड इंडियन लेबरर्स। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कुशल भारतीय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सऊदी अरब के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच डिजीज हैज बीन एडेड बाय द WHO टू द लिस्ट ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। WHO ने नोमा बीमारी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग की सूची में रखा है। What is the cash amount given for Gaza Capital Business Book Prize 2023 winners? Gaza Capital Business Book Prize 2023 विजेताओं को दी जाने वाली नकद राशि है ₹15 लाख। Who topped Hurun India's list of top 100 under 30? Hurun India की top 100 under 30 की सूची में Zepto founders शीर्ष पर हैं। What is the revised forecast for India's GDP growth in fiscal 2024 according to ICRA? ICRA के अनुसार fiscal 2024 में भारत की GDP वृद्धि का संशोधित पूर्वानुमान 6.5% है। Which bank has launched industry first community banking program for diamond cohorts? So IndusInd Bank ने diamond समूह के लिए उद्योग का पहला सामुदायिक बैंकिंग कार्यक्रम IndusInd Bank ने लॉन्च किया। केशवनंदा भारती वर्डिक्ट इज अवेलेबल इन हाउ मेनी लैंग्वेज। केशवनंदा भारती फैसला अब 10 भाषाओं में उपलब्ध है। व्हेन इज द नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। हु आर द रेसिपियंट्स ऑफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2023। वर्ष 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रांकी रेड्डी। हु इमर्ज्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द IPL एट ₹24.75 करोड़। 24.75 करोड़ रुपए के साथ IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क बने हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आर करंटली इंस्टॉल्ड इन इंडिया। भारत में वर्तमान में 23 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित हैं। विच इंस्टीट्यूशन को होस्टेड द फर्स्ट मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जुन सिंह एनुअल लेक्चर विद द इंडियन एयरफोर्स। सो यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने भारतीय वायुसेना के साथ वायुसेना के पहले मार्शल अर्जन सिंह वार्षिक व्याख्यान को आयोजित किया। हु लॉन्च द नेशनल जियोलॉजी डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया। हु रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इज हिंदी नॉवल मुझे पहचानो। हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से संजीव को सम्मानित किया गया। Which bank has recently raised ₹7,425 crore through infrastructure bond issue? हाल ही में HDFC bank ने infrastructure bond issue के माध्यम से 7,425 crore rupees जुटाए हैं। Tibetan spiritual leader Dalai Lama inaugurated first international Sangha forum 2023 at which place? Tibeti आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन बोधगया में किया है।
Which PSU has been awarded the 11th edition of FICCI Water Award 2023 under the Industrial Water Use Efficiency category? So NTPC को औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 के 11वें संस्करण से सम्मानित किया गया है। Who has been appointed as the part-time member in Pension Fund Regulatory and Development Authority, Pension Fund नियामक और विकास प्राधिकरण में अंशकालिक सदस्य के रूप में परमा सेन को नियुक्त किया गया। Which IIT has developed a technology called Amrit, arsenic and metal removal by Indian technology for the removal of arsenic and metal ions from water? So IIT Madras ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है। Which airline has become the first Indian airline to ferry over 100 million passengers within the span of a calendar year? So Indigo एक ही वर्ष में 100 million यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। Which state will host Khelo India Games in January 2024? जनवरी 2024 में तमिलनाडु राज्य खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी करेगा। Who has been honored with lifetime achievement award at the Power of One Award 2023 ceremony organized by the Diwali Foundation USA? Diwali Foundation USA द्वारा आयोजित the Power of One Award 2023 समारोह में lifetime achievement award से बान की मून को सम्मानित किया गया। What is the target year mentioned in the UAE consensus for achieving net zero? UAE consensus के अनुसार 2050 तक net zero प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। Which city has the best quality of life in India according to the quality of living index 2023 released by Mercer? Mercer द्वारा जारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार भारतीय शहर हैदराबाद में जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। Who will be the chief guest for the 75th Republic Day celebrations in India? भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि एमैनुअल मैक्रोन रहने वाले हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट। When is the National Farmers Day celebrated? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। What is the new variant of SARS-CoV-2 that has been reported? SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट JN.1 है। Who was recently elected the President of Wrestling Federation of India? हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। As per the हालांकि याद रखिएगा आप सस्पेंड कर दिया गया है इस संघ को। As per the Southeast Asia Opium Survey 2023, which country is the largest opium producer? दक्षिण पूर्व एशिया ओपियम सर्वेक्षण 2023 के अनुसार म्यांमार देश सबसे बड़ा अफीम उत्पादक है। Which anti-cold drug combination has been banned by the Indian government for use in children below 4? भारत सरकार ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों में क्लोरोफ्रिनामिन मैलेट एंड फिनिलेफ्रिन एंटी-कोल्ड कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। Which ministry launched Part Mitro application? So Ministry of Textiles ने Part Mitro application launch किया। Who inaugurated the 2-day tribal orientation program आदि व्याख्यान in New Delhi? नई दिल्ली में 2 दिवसीय आदिवासी अभिविन्यास कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया। Which Indian PSU has been declared as the winner at the Brandon Hall Group's Excellence in Technology Awards 2023? Brandon Hall Group के उत्कृष्टता प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2023 में NTPC का विजेता घोषित किया गया। Which UN agency launched Project Prayas? So International Organization for Migration ने Project Prayas launch किया है। Which bank has signed a corporate agency agreement with HDFC Life? So करूर वैश्य बैंक ने HDFC Life के साथ एक corporate agency समझौते पर हस्ताक्षर किए। Which film won Best Film Award at the 29th Kolkata International Film Festival? 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में Children of Nobody फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। Who inaugurated DGELV an authorized end of life vehicle certificate of deposit trading platform? DGELV एक अधिकृत end of life vehicle certificate of deposit trading platform का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया। Which INS received the original Veer Chakra awarded to late Vice Admiral Benoy Roy Chaudhary? दिवंगत वाइस एडमिरल बेनोय रॉय चौधरी को दिया गया मूल वीर चक्र INS शिवाजी को प्राप्त हुआ। Who bagged 2023 रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज? 2023 रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज यानी कि साहित्यिक पुरस्कार सुकृता पॉल कुमार को मिला। Which स्पेस एजेंसी won 2023 लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज? सो इसरो को 2023 लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। Who was named 2023 Men's FIH Player of the Year? 2023 Purush FIH Player of the Year Hardik Singh bane hain. How many next generation of Surpatrol vessels will be procured by the Indian Coast Guard under the contract signed with Mazagaon
डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग शिप बिल्डर्स लिमिटेड मचगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत भारतीय तटरक्षक द्वारा 6 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज खरीदे जाएंगे। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया GDP डिक्लाइन टू 1% इन फिस्कल 2023 फ्रॉम 35% इन 1990-91। भारत की GDP में कृषि की हिस्सेदारी 1990-91 में 35% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 15% रह गई। इन विच फील्ड डिड डॉक्टर वी मोहिनी गिरी हु पास्ड अवे रिसेंटली मेक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग हर कैरियर। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी जिनका हाल ही निधन हो गया ने सोशल वर्क एंड वुमेन्स राइट में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रगराल्स फसाल वोल्केनो वॉज इन न्यूज रिसेंटली ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरप्शन इट इज लोकेटेड इन आइसलैंड। विच इंडियन एयरपोर्ट वॉज अवार्डेड यूनेस्को's वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर 2023। सो कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को यूनेस्को द्वारा इंटीरियर के लिए विश्व विशेष पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। विश्व बैंक हैज सिक्योर्ड मैंडेट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन ई क्रॉस पोर्टल फ्रॉम असम गवर्नमेंट। सो बंधन बैंक ने असम सरकार से ई क्रॉस पोर्टल पर राजस्व एकत्र करने का आदेश प्राप्त किया है। विद होम डिड द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज द रीच ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने हेतु जियोमार्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। द RBI हैज इम्पोज्ड मॉनेटरी ऑफ 7 lakh rupees ऑन विच सिटी बेस्ड प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। RBI ने अहमदाबाद शहर स्थित प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 7 lakh rupees का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB साइंड 100 million US dollar लोन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज एंड टूरिस्ट फैसिलिटीज इन विच स्टेट। भारत सरकार और ADB ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के लिए 100 million US dollar के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। What amount has the central government released as an additional installment of tax revolution to states? केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 72,961.1 crore रुपए जारी किए। Who will chair the expert committee on transition finance set up by the IFSC? IFSC द्वारा बदलाव के लिए वित्त पर गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता ध्रुव पुरुखेयस्ता करेंगे। Who won Miss Continental International 2023 title? Miss Continental International 2023 का खिताब आस्था रावल ने जीता है। इंडसइंड बैंक रिसेंटली सोल्ड इट्स एंटायर 2.86% स्टेक इन विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में निपोन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट में अपनी पूरी 2.86% हिस्सेदारी बेच दी। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड एज अ गवर्निंग बोर्ड मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड अध्यक्ष के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है वीता दानी। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशर्स द रेड डेटा बुक? रेड डेटा बुक का प्रकाशन IUCN करता है। इंग्लैंड मैनचेस्टर सिटी क्लिंच द 2023 क्लब वर्ल्ड कप। हु वर देयर ओपोनेंट्स इन द फाइनल? इंग्लैंड की मैनचेस्टर सिटी ने 2023 क्लब विश्व कप जीता। फाइनल में उनका मुकाबला फ्लुमिनेंस से हुआ। इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व टू बी सेटअप इन विच स्टेट? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड म्यूजियम ओपन इन विच स्टेट? हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में खोला गया। विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड अ क्वांटम कंप्यूटिंग चिप नेम्ड कॉन्डोर विद मोर देन 1,000 क्यूबिट्स? हाल ही में IBM ने 1,000 से अधिक क्यूबिट्स के साथ कॉन्डोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की। विच इंडियन नेवल शिप रिसेंटली अराइव्ड एट पोर्ट लामू केन्या एज पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट टू अफ्रीका? सो भारतीय नौसेना जहाज INS सुमेधा हाल ही में अफ्रीका में अपनी लंबी दूरी की तैनाती के हिस्से के रूप में केन्या के पोर्ट लामू पहुंचा। विच एयरलाइन रिसेंटली कंप्लीट द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल फ्लाइट फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क? हाल ही में वर्जिन एटलांटिक ने लंदन से न्यूयॉर्क के लिए दुनिया की पहली 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उड़ान पूरी की। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन दक्ष टू सपोर्ट एकेडमिकली वीक स्कूल चिल्ड्रन? हाल ही में बिहार राज्य ने शैक्षणिक रूप से कमजोर स्कूली बच्चों की सहायता के लिए मिशन दक्ष शुरू किया। विच स्पेस एजेंसी हैज अनवील्ड प्लान्स फॉर इट्स फर्स्ट एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट? नासा ने अपने पहले एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट का की योजना का अनावरण किया है। वेयर डिड फिट एक्सपो इंडिया 2023 एशियाज प्रीमियर स्पोर्ट्स फिटनेस एंड वेलनेस एक्सपो टेक प्लेस? एशिया का खेल फिटनेस और वेलनेस एक्सपो फिट एक्सपो इंडिया 2023 कोलकाता में आयोजित हुआ। How many Indian conglomerates including the Bajaj Group have achieved a market capitalization of ₹10 lakh crore or more? Bajaj समूह सहित 5 भारतीय समूह ने 10 लाख करोड़ रुपए या उससे अधिक का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है।
हु रिसेंटली वॉन द 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड, हाल ही में 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार मुरली शिवशंकर ने जीता है। इंडियाज फर्स्ट अर्ली क्रिटेशियस शार्क फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड इन विस सिटी, भारत का पहला अर्ली क्रिटेशियस शार्क जीवाश्म जैसलमेर शहर में खोजा गया। इन द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप फंडिंग वेयर डज इंडिया स्टैंड, स्टार्टअप फंडिंग की वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान चौथा है। हु वॉज ऑनर्ड विद द करमवीर चक्र मेडल एंड रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में करमवीर चक्र पदक और रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप से नम्रता मिश्रा को सम्मानित किया गया। विच बिल दैट वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट इन विंटर सेशन दिस ईयर रिप्लेस द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल्स ने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लिया है। वट आर द 3 न्यू फीचर्स लॉन्च्ड ऑन द IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की गई 3 नई सुविधाएं हैं, MyIGOT, ब्लेंडेड प्रोग्राम्स एंड क्यूरेटेड प्रोग्राम्स। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में सतीश कुमार कालरा को नियुक्त किया गया। विच कंपनी हैज बिकम द सेकेंड इंडियन यूनिकॉर्न दिस ईयर, इस वर्ष इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज दूसरी भारतीय यूनिकॉर्न बन गई है। वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस एंड विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैव एंटर्ड इनटू अ बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और IDFC फर्स्ट बैंक अश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया इन्होंने। विच बैंक हैज एक्वायर्ड 6.35% स्टेक्स इन अहमदाबाद बेस्ड कैनपैक ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड, SBI ने अहमदाबाद स्थित कैनपैक ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड में 6.35% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। विच कंपनी रिसेंटली अनाउंस्ड अ 5-year कोलेबोरेशन एग्रीमेंट विद LKQ यूरोप, हाल ही में इन्फोसिस ने LKQ यूरोप के साथ 5 साल के सहयोग समझौते की घोषणा की। वट इज द नेम ऑफ मेड इन इंडिया जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय ओलास को फाउंडर एंड CEO भावेश अग्रवाल, ओला के सह संस्थापक और CEO भावेश अग्रवाल द्वारा लॉन्च किए गए मेड इन इंडिया जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का नाम है कृत्रिम। हु वॉन द वीमेन सिंगल्स टाइटल एट द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 इन गुवाहाटी, गुवाहाटी में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब अनमोल कार्प ने जीता। अकॉर्डिंग टू द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री विच स्टेट सेट अप द मोस्ट नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ड्यूरिंग द पास्ट 5 years, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान गुजरात राज्य ने सबसे अधिक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए। वट इज द टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरन एक्सचेंज रिजर्व फॉर द वीक एंडिंग दिसंबर 15, 15 दिसंबर को समाप्त सप्ताह तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य 615.97 बिलियन US डॉलर रहा। विच कंपनी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गुजरात गवर्नमेंट फॉर अ न्यू फैसिलिटी इन राजकोट, राजकोट में एक नई सुविधा के लिए कोका कोला ने गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिस्लेरी, बिस्लेरी के पहले वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन जयराम गडकरी इनॉग्रेटेड CII एक्सकॉन इन विस सिटी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने बेंगलुरु में CII एक्सकॉन का उद्घाटन किया। वट इज द नेम ऑफ द हाईटेक फुटबॉल लॉन्च्ड बाय एडिडास फॉर यूरो 2024 के लिए एडिडास द्वारा लॉन्च की गई हाईटेक फुटबॉल का नाम है फुसबेलीबी। द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट टू रिप्लेस विच एक्ट, दूरसंचार विधेयक 2023 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को बदलने के लिए संसद में पेश किया गया। वट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड द 1282 पार्टिसिपेंट्स प्ले टू अचीव द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द 99th इंटरनेशनल तानसेन समारोह इन ग्वालियर, ग्वालियर में 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन महोत्सव में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाले 1282 प्रतिभागियों ने तबला वाद्य यंत्र बजाया। इंडिया सिक्योर देयर फर्स्ट टेस्ट विन ओवर ऑस्ट्रेलिया इन अ वन ऑफ मैच इन मुंबई, हु वाज चूजन प्लेयर ऑफ द मैच, भारत ने मुंबई में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया पर अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की, मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी स्नेहा राणा को चुना गया। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, अंगोला ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से हटने का निर्णय लिया है।
Which state won women's title at the 75th Inter-State Inter-Zonal Badminton Championship 2023? 75वीं Inter-State Inter-Zonal Badminton Championship 2023 में महिलाओं का खिताब महाराष्ट्र राज्य ने जीता। Operation Prosperity Guardian is related to which of the following? Operation Prosperity Guardian हाउथी अटैक्स जो हुआ है रेड सी में उससे संबंधित है। तो US ने ये एक कोलिशन बनाया है जहां पर इस तरह के अटैक्स को रोका जा सके। 20th न्यूरो अपडेट 2023 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी? 20वां न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन अहमदाबाद में हुआ। विच टू लोकेशंस हैव बीन कनेक्टेड बाय इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चोपर सर्विस इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में बतेश्वर एंड गोवर्धन को अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा गया। विच कंट्री अवार्डेड द 2023 इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज टू द अफगान वुमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर? सो फिनलैंड ने अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को 2023 अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया। अनंत मैरिज एक्ट विच गिव्स स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू सिख मैरिज रिचुअल्स इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट और यूटी? आनंद विवाह अधिनियम जो सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता देता है जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया गया। विच सिटी हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द कंट्री फॉर फूड एडल्ट्रेशन केसेस अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद शहर देश में पहले स्थान पर है। हु रिसीव्ड द ग्लोबल आइकन अवार्ड एट द G20 इनिशिएटिव समिट इन कोलंबो श्रीलंका? कोलंबो श्रीलंका में G20 पहल शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन पुरस्कार श्रीनिवास नायक धारावाद को मिला है। नासा स्ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन यानी कि टेम्पो सैटेलाइट मॉनिटर्स मेजर एयर पोल्यूटेंट्स अक्रॉस विच कॉन्टिनेंट? नासा का शोभ मंडल निगरानी प्रदूषण उपग्रह नॉर्थ अमेरिका में प्रमुख वायु प्रदूषकों को मॉनिटर करता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन ग्रांटेड अ वन टाइम एक्सेम्पशन फॉर अचीविंग द मैंडेटेड 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग? LIC को अनिवार्य 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता प्राप्त करने के लिए एकमुश्त छूट दी गई है। हु अनवील्ड द G20 रिपोर्ट टाइटल अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी शीर्षक वाली G20 रिपोर्ट भूपेंद्र यादव ने लॉन्च की। विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द नीति आयोग एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स? नीति आयोग के कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। व्हाट लेजिस्लेटिव एक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द रिसेंटली पास्ड पोस्ट ऑफिस बिल 2023 इन इंडिया? हाल ही में डाकघर विधेयक 2023 द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को प्रतिस्थापित किया गया। व्हाट इज द क्लास टू विच INS इम्फाल बिलोंग्स? INS इम्फाल विशाखापट्टनम क्लास से संबंधित है। Recently, the cabinet approved the construction of a new bridge across Ganga River in Bihar. Where will the new bridge be located? हाल ही में कैबिनेट ने बिहार में गंगा नदी पर एक नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी। यह नया पुल दीघा और सोनपुर के बीच में होगा। Which city will be developed as India's first artificial intelligence city? So, लखनऊ शहर भारत के पहले artificial intelligence शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। In which state was संजौली दिल्ली tunnel opened for public? संजौली दिल्ली सुरंग हिमाचल प्रदेश में जनता के लिए खोली गई। हु विल चेयर द 3-member ad hoc committee set up by the IOC to oversee the day-to-day operations of the Wrestling Federation of India? भारतीय कुश्ती महासंघ के दैनिक कामकाज देखने के लिए IOC द्वारा गठित 3-सदस्यीय तदर्थ समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा करेंगे। हु हैज बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-2025? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2019-2025 में भारत के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए। व्हाट इज द मास्कट फॉर द 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू बी हेल्ड इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में आयोजित होने वाले 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर होगा वीरा मंगई। विद विच कंट्री हैज इंडिया अडॉप्टेड अ जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट टाइटल अ पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर? भारत ने ओमान देश के साथ भविष्य की साझेदारी नामक एक संयुक्त विजन दस्तावेज को अपनाया है। Who has been appointed as event ambassador for the 19th edition of the Tata Mumbai Marathon? Tata Mumbai Marathon के 19वें संस्करण के लिए event ambassador Katie Moon को नियुक्त किया गया। Who has been appointed by the UN as the senior humanitarian and reconstruction coordinator for Gaza? संयुक्त राष्ट्र द्वारा गाजा के लिए वरिष्ठ मानवतावादी और पुनर्निर्माण समन्वयक के रूप में स्वीकृत का को नियुक्त किया गया।
फॉर द 2024 सीजन व्हाट इज द एमएसपी फॉर फेयर एवरेज क्वालिटी ऑफ मिलिंग कोपरा 2024 सीजन के लिए मिलिंग कोपरा की उचित औषध गुणवत्ता के लिए एमएसपी है 11,160 रुपये पर क्विंटल. अंडर वी चेक्ड हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन. भारत सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को गैरकानूनी संघ घोषित किया. हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME हु लॉन्च 3 सब स्कीम्स अंडर द रैम्प प्रोग्राम. केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे हैं जिन्होंने रैम्प कार्यक्रम के तहत 3 उप योजनाएं शुरू की. रामबाग गेट एंड रैम्पार्ट्स इन विच स्टेट हैज रिसीव्ड अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ऑनर इन यूनेस्को ऐसी एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन. सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों में पंजाब के रामबाग गेट और रैम्पार्ट्स को उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मान मिला. विच बैंक हैज टाइड अप विद अमेरिकन एक्सप्रेस टू लॉन्च प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड ऑन द अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क. अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क पर प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ समझौता किया. वट लेजिस्लेशन हैज रिप्लेस द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. सो भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकेंड संहिता 2023 ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह ली. नीना सिंह अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ विच सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. नीना सिंह को CISF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया. हु टॉप द फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स 2023 लिस्ट. फोर्ब की सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीटों की 2023 सूची में इगा स्वियातेक पोलैंड की शीर्ष पर है. हु चेयर द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन न्यू दिल्ली. नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की. विसिटी होस्टेड 28th इंटरनेशनल सिंधी कॉन्फ्रेंस. 28वें अंतर्राष्ट्रीय सिंधी कांग्रेस की मेजबानी दुबई ने की. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹445 करोड़ विद विच स्टेट गवर्नमेंट. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. अकॉर्डिंग टू द रिटेलोनॉमिक्स रिपोर्ट बाय पे नियर बाय व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन UPI ट्रांजेक्शंस एट सेमी अर्बन एंड रूरल रिटेल स्टोर्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. पे नियर बाय की रिटेलोनॉमिक्स रिपोर्ट के अनुसार वॉल्यूम के संदर्भ में अर्धशहरी और ग्रामीण खुदरा स्टोरों पर UPI लेन देन में 118% की वृद्धि हुई. What is the name of the plant growth promoting bacteria discovered by researchers from Vishwabharati University? Vishwabharati विश्वविद्यालय के शोधकर्ता द्वारा खोजे गए पौधे के विकास को बढ़ावा देने वाले बैक्टीरिया का नाम है Pentoia tagori. US economist Robert Shaw who passed away recently had won the Nobel Prize in which field? अमेरिकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट शो इनका हाल ही निधन हो गया ने इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता था. Which of the following has emerged the most preferred state to work in India according to India Skills Report 2024? भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार केरल जो है राज्य भारत में सबसे ज्यादा पसंदीदा राज्य है काम करने के लिए. With whom did NABARD and ADB collaborate for technical support in the climate action initiative? जलवायु कार्रवाई पहल में तकनीकी सहायता के NABARD और ADB ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ सहयोग किया. Which agency has granted ₹12.545 crore to ETO Motors to deploy 300 electric three-wheelers in Hyderabad and Delhi? SIDBI ने हैदराबाद और दिल्ली में 300 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स तैनात करने के लिए ETO Motors को 12.45 crore रुपए दिए हैं. Under the protocol on inland water transit and trade, which location in West Bengal has been declared as the new port of call? अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल के तहत पश्चिम बंगाल में सफरदगी को पोर्ट ऑफ कॉल घोषित किया गया. हाउ मेनी समर्थ क्यूरेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम हैव बीन लॉन्च्ड ऑन द IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म. IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 6 समर्थ क्यूरेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किए गए. विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कोल सप्लायर टू इंडिया. भारत का सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश ऑस्ट्रेलिया है. What legislation has replaced the Indian Evidence Act 1872? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ली है भारतीय साक्ष्य सेकेंड बिल 2023 ने. Which political party is the first Hindu women candidate? सवीरा प्रकाश representing in the upcoming elections in Pakistan. पाकिस्तान में आगामी चुनाव में पहली हिंदू महिला उम्मीदवार सवीरा प्रकाश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP का प्रतिनिधित्व कर रही है. साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं.
दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, फेलो एक्सपर्ट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइज़।